नमस्कार विज्ञान जगत में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारा आज का कार्यक्रम आधारित है क्रिप्टो करेंसी पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्ष 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अस्तित्व में आई लेकिन आज भी आम जन के बीच में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कर कई सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हम हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे एक्सपर्ट श्री कुणाल राहर जी को सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में धन्यवाद क्रिप्टो करेंसी क्या है इसमें निवेश कैसे करते हैं क्या इसमें निवेश जोखिम भरा है इसमें ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होते हैं इस प्रकार के कई सवाल हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होते रहे हैं श्री कुणाल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सर एक इंजीनियर हैं और साथ ही साथ में एक इकोनॉमिस्ट एक भी हैं साथ ही उन्होंने इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च विभाग में काम किया है आर के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस डिवीजन में वे एजीएम पद पर भी कार्य कर चुके हैं वर्तमान में वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी हैं साथ ही साथ आर एस परीक्षा जो 2018 में आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने इकतीसवीं रैंक अर्जित की थी आ, सर आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है आप इंजीनियरिंग क्षेत्र शे, में भी रहे हैं आरबीआई के साथ में भी आपने काम किया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सर थोड़ा विस्तार में बात करना चाहेंगे क्या है क्रिप्टो करेंसी जी मैम जैसे आपने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड है उसमें ही करेंसी वर्ड कहीं न कहीं आता है। जी। तो क्रिप्टो करेंसी इक्कीस शताब्दी जिसमें हम जी रहे हैं उसकी करेंसी है और करेंसी का अगर हम इतिहास देखें कि कैसे इसका उत्पन्न हुआ और आज ये किस फॉर्म में है जी। तो सर करेंसी जहाँ पर भी शब्द आता है वहां पर हमारे मन में आता है जैसे कुछ नोट्स के फॉर्म में या फिर कोई सिक्कों के फॉर्म में तो नोट और सिक्के तो कुछ 500-700 साल की ही बातें हैं उससे पहले कौड़ी के रूप में करेंसी हुआ करती थी बोलते हैं ना कहीं तो कही कही करेंसी थी एक यूनिट ऑफ स्टोरेज लेन देन में काम लेते थे उसके बाद जब वैदिक काल आया तब गाय एसेट हुआ करती थी तो गायों की चोरियां भी होती थी क्योंकि वही एसेट था वही करेंसी के रूप में काम में लेते थे फिर सिक्के आए उसके बाद अब जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है उसके बाद से नोट्स की प्रिंटिंग होने लगी सिक्योरिटी फीचर्स आने लगे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जब हम आए हैं इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है कि करेंसी भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक नया फॉर्म ले रही है और उसी का एक नया फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो ऐसी डिजिटल करेंसी है डिजिटल करेंसी यानी आप उसको टच नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते इनटेंजिबल फॉर्मेट में है okay. ऐसी करेंसी है जिसका वेरिफिकेशन स्टोरेज ट्रांजेक्शन ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है यानी बही खाता जो एक रिकॉर्ड रखा जाता है किसने किसको कितना पैसा दिया कितना लिया तो इस करेंसी का जो बही खाता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है यानी कहीं एक जगह स्टोर नहीं है जैसे अगर आपका बैंक में खाता है, मान लीजिए आप किसी एक्स पर्सन को आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो होता क्या है बैंक आपके खाते से उतने पैसे कम कर देगा और अगले के खाते में उतने पैसे बढ़ा देगा राइट तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर्ड है बैंक के पास स्टोर्ड है यानी तो कि बैंक रेगुलेट कर रहा है उस करेंसी को हमारे पैसे को एक तरीके से बैंक के पास सारी स्टोरेज है इंफॉर्मेशन है कि तो दोनों पार्टी ट्रस्ट कर रही है बैंकिंग सिस्टम पे कि वही एक कंट्रोल अथॉरिटी है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और हम लोग सारे यूज कर रहे हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी कैसे नॉर्मल करेंसी से अलग है कि उसमें जो ये रिकॉर्ड्स होंगे ट्रांजेक्शन के जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ एक किसी अथॉरिटी के पास नहीं होगा वो तो अच्छा। कोई एक सेंट्रल नोड नहीं होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस ये इसको आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो खूब सारे कंप्यूटर्स होंगे खूब सारे नोड्स होंगे जहाँ पे वो रजिस्टर हो रही होगी वो इंफॉर्मेशन कि असमा जी ने किसी एक्स पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए अच्छा। तो अब इशू कहाँ आता है कि अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है तो कई चांसेस हो सकते हैं करप्शन के इंफॉर्मेशन लीकेज के डिस्टॉशन के लेकिन वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर कई नोड्स पे रजिस्टर हो साइमल्टेनियसली तो उस रिकॉर्ड की मान्यता बड़ी इजीली से वेरीफाई हो सकती है बिल्कुल सर मैं ये सवाल आपसे पूछने भी वाली थी कि आए दिन इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हमारे सुनने में आते हैं तो जब आपका सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी यानी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे आधारित है कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है उसको कमांड नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी पे जी ये तो वही बात होगी जैसे मैंने वैदिक काल के बारे में बताया था कि गायें थी उस टाइम पे करेंसी है ना तरीका था मीडियम था एक्सचेंज करने का चीजें तो गायों की चोरी होती रही राइट उसके बाद नोट आए सिक्के आए उसकी भी चोरी होती रही फिजिकली किसी ने आपका पर्स मार लिया किसी ने आपके बैंक से एटीएम का पिन चुरा के पैसे निकाल लिए हैं जी। तो कमी उस प्रोसेस में नहीं है कहीं ना कहीं हमने अगर कॉम्प्रोमाइज किया होगा कहीं ना कहीं हमने उस पर्स को सावधानी पूर्वक नहीं रखा होगा तो चोरी की आशंका है उन गायों को अच्छे से नहीं बांध के बाड़े में रखा होगा तो चोरी की आशंका है वॉलेट में अगर पैसे अच्छे से नहीं रखे होंगे तो किसी ने पिक पॉकेट ने किसी पॉकेट मारने पॉकेट मारने की कोशिश की होगी ऐसे अगर आप नेट बैंकिंग या हम ये जो तमाम टेक्निकल चीज़ें यूज कर रहे हैं इसमें अगर हम अपना किसी को एटीएम पिन बता दें या नेट बैंकिंग का पासवर्ड बता दें या पासवर्ड कोई सुन ले अच्छी जगह जगह स्टोर ना रखें तब चांसेज होता है कि उन पैसों की चोरी हो सकती है तो वैसा देखा जाए तो इन सब टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा सिक्योर है सेफ़ है क्योंकि उसमें जो तरीका होता है लेन देन का उसमें एक पब्लिक की प्राइवेट की ऐसे चीजें यूज होती हैं तो पब्लिक की वो होता है कि आप किसी को भी अगर शेयर करते हो वो तो उस एड्रेस पे पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं सर एक कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्रिप्टो करेंसी जी तो जो टेक्नोलॉजी पब्लिक की प्राइवेट की, की मैं बात कर रहा था उसके पीछे बैक एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो यू कहें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का टिप ऑफ द आइसबर्ग एक क्रिप्टो करेंसी उसकी बहुत तरीके के यूसेज हैं ब्लॉकचेन जैसा नाम है एक ब्लॉक से बनी हुई चेन है हर ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि पैसे एक्स से वाई को ट्रांसफर हुए है ना तो वैसे कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हुई हैं वो मल्टीपल नोट पे रजिस्टर हो रही हैं और वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन तो क्लब करके एक नोट एक, एक ब्लॉक बना देते हैं उस ब्लॉक एक ब्लॉक भरने की वजह से मालगाड़ी नहीं होती जी। कि एक के पीछे एक डब्बा रहता है वो वो चेन चेन बन बन जाती है। बन जाती है है अच्छा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ब्लॉक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और वो ट्रांजेक्शन का एक ट्रेल स्टोर कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजी है पीछे अब इस टेक्नोलॉजी को अगर आप करेंसी के काम में ले लें तो क्रिप्टो करेंसी का नाम हो गई है इस टेक्नोलॉजी को अगर और कहीं यूज लें जैसे कि Uh, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा एक कैरेबियन कंट्री हैती करके है ना दो में वहां पर भूकंप आया और भूकंप बहुत ही तीव्र था हुआ क्या कि जो भी लोग थे वो सब हो गए किसी के पास उनके जमीन का रिकॉर्ड नहीं रहा किसी नहीं। के पास अगर अपनी भाषा में कोई पट्टा कोई रजिस्ट्री कुछ नहीं रहा नहीं। तो अब जब वापस कंस्ट्रक्शन की बात आई तो लोगों को अपने मालिकाना अधिकार दिखाने में दिक्कत हुई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ये यूँ मान लीजिए कुछ बाढ़ आ गई है ना आग लग गई जल गए आपके डॉक्यूमेंट तो आप कैसे बताओगे कि ये रिकॉर्ड आपका है कि ये प्लॉट ऑफ लैंड मेरा है तो कॉन्ट्रेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया जब तक ये सोल्यूशन ना आए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई इसी का आज हम अगर देखें इंडिया में पंचकुला में मोहाली सिटी में एक लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे लाने के प्रयास किया जा रहा है अच्छा तो होगा यू कि मान लीजिए किसी ए ने वो प्लॉट खरीदा उसके बाद बी को बेचा फिर सी को बेचा सबकी सेल डीट जो होती है वो रजिस्टर करवाई तो उस ब्लॉक चेन में पूरा रिकॉर्ड रहेगा ट्रेल रहेगा कि ए से बी को गया बी से सी को गया और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहेगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग आज के टाइम में तो अगर हमारा देखें कि रजिस्ट्री वाला जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं में देख पाएंगे हम कि, कि किसके पास वो प्लॉट था पहले फिर बाद में किसके पास आया लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अगर हम यूज करते हैं तो जो फर्जी पट्टे वाले जो प्रकरण होते हैं या फिर क्या उसके पास असली में मालिकाना हक है कि नहीं उस जमीन का है ना तो ये सारी तमाम दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं बिल्कुल सर आप जैसे प्रशासनिक सेवा में हैं तो क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर कई कई विभागों को लेकर आएंगे जी जी बिल्कुल उनका मतलब, यूज किया जा सकता है इनका यूज तो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है आप ये मान के चलिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज अपना रही है हमारा भी इनफैक्ट

सर आगे हम जानना चाहेंगे कि यह किस तरह से कार्य करती है यह है क्रिप्टो करेंसी इसको रेगुलेट कौन करता है कमांड कौन करता है जैसे हम बात करते आए हैं कि कोई कोई एक एक व्यक्ति या कोई एक ऐसी संस्था नहीं नहीं है, है जो इसको रेगुलेट करती है और यही इसकी बड़ी खूबी है कि आ, हम क्यों बैंकिंग नेटवर्क पे ट्रस्ट कर रहे हैं इतना अगर हमारा पैसा ट्रांसफर करना है हमें हम क्यों एक सेंट्रल अथॉरिटी पे टिके हुए हैं क्यों ना वो एक ट्रस्ट फैक्टर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जो सारे मार्केट प्लेयर्स हैं उस प्रोसेस में आ, मैंने मान लीजिए आपको सौ रुपए दिए और उस सौ रुपए का ट्रांजेक्शन सौ या डेढ़ सौ वही खातों में रजिस्टर हो जाता है साइमल्टेनियसली तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास है कि पहले मेरे पास सौ रुपए थे जी। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन होने के बाद सौ रुपए आपके अकाउंट में आए तो कल को कोई झुटला नहीं सकता ना आप झुटला सकते हो उस बात को कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए न मैं झूठला सकता हूँ कि हाँ मैंने पैसे दे दिए और मैं झूठा कोई मतलब हर स्टेप का रिकॉर्ड हर रहता स्टेप है का एक तरीके से रिकॉर्ड आ जाता है और वो रिकॉर्ड सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर करेंसी को हम अगर हमारे बैंक में है यदि हम इंडियन करेंसी की बात करें तो हम उसको डेबिट कार्ड के थ्रू कैश कर सकते हैं या कुछ भी सामान खरीदने में यूज कर सकते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी का भी यूज इस तरह से किया जा सकता है बिल्कुल जैसे करेंसी के कुछ इनहेरेंट ट्रेड्स होते हैं कि एक तो यूनिट ऑफ अकाउंट होता है या आप बता सकते हो जैसे इंडियन रुपीज है तो सौ रुपए हजार रुपये तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी यूनिट ऑफ अकाउंट है तो बड़ी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है जैसे आप बिटकॉइन देख लीजिए या आप इथीरियम देख लीजिए लाइट कॉइन डॉज कॉइन जो तमाम तरीके की क्रिप्टो करेंसी और मजेदार बात यह करीब अठारह बीस हजार क्रिप्टो करेंसीज हैं वर्ल्ड अच्छा, में इस टाइम सर बिटकॉइन को ही दूसरा नाम क्रिप्टो करेंसी के तौर पे जानते हैं लोग ऐसा क्यों है सर वो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे अगर आप गाँव में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि टूथपेस्ट को ही नहीं बोलता कहीं कोलगेट दे दो जबकि कोलगेट तो एक ब्रांड नेम है जी। वैसे ही अगर आप फोटोकॉपी कराने जाएंगे तो, तो उस दुकान पे कहेंगे कि भाई पांच जेरोक्स दे दो मुझे पांच जेरोक्स करवा दो जबकि जेरोक्स तो एक ब्रांड नेम है तो कहीं ना कहीं वो जो

फ्रैक्शन uh, में भी आप खरीद सकते हैं अच्छा। तो ऐसे नहीं कि आपको एक बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा उसका आप वन बाई टेन टू द पावर सिक्स हिस्सा जो होता है अच्छा। है ना उतना छोटा भी आप खरीद सकते हैं तो आपके पास मान लो बीस पच्चीस रुपए हैं उनका भी आप बिटकॉइन खरीदना चाहें तो आप मान लीजिए आज जो बीस बाईस लाख का जो बिटकॉइन है फिलहाल जो मार्केट वैल्यू है उसका उतना हिस्सा आप खरीद सकते हैं और खरीदने का जो तरीका है वो आप नॉर्मली आपको एक वॉलेट में अकाउंट बनाना पड़ता है कई तरह के तमाम वॉलेट्स हैं मार्केट में उसमें आप अपना के कराते हैं नो योर कस्टमर ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम ना हो सके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके एक नकेल लगाई जा सके तो जैसे आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो अपना के करवाते हैं वैसे ही उन प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अपना के करवा के बैंक अकाउंट लिंक करवा के पैन कार्ड वगैरह दे आप अपना खाता खुलवा सकते हैं सर यदि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हो तो आप खुद कर सकते हैं या फिर कोई एजेंट्स या इस तरह की भी नहीं अब टेक्नोलॉजी इतनी सुगम हो गई है कि जैसे आप खुद अपने टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन की वैसे ही आप खुद अपना अकाउंट खोल सकते हैं सिंपल एप्स हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए उन पर अपने जैसे मैं बता रहा था प्रोसेस जी, पूरी कि पैन अकाउंट पैन नंबर आपका आपका बैंक अकाउंट से आप उसको लिंक कीजिए और जैसे स्टॉक्स आप खरीदते बेचते हैं प्रॉफिट कमाने का क्या जरिया है कि आप स्टॉक्स सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें वैसे ही आप तमाम तरीके क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लेशन का असर इस पे भी होता है इन्फ्लेशन का असर होता है लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे इस पे शो नहीं होता क्योंकि नहीं। क्रिप्टो करेंसी जो एक क्रिप्टो करेंसी वो दुनिया भर में काम में ली जाती है जबकि जैसे इंडियन रुपी जो मोस्टली इंडिया में मोस्टलीटेड होती तो, तो, तो इंडिया की इन्फ्लेशन उस इफेक्ट करेगी अच्छा। तो ये क्रिप्टो करेंसी तो आप देखा जाए तो दुनिया की इन्फ्लेशन उस पर इम्पेक्ट कर सकती है जी जी। तो उस अकाउंट में आप ये सब एक जैसे स्टॉक मार्केट पर आप ट्रेड करते हैं सस्ता खरीदा महंगा बेचा वैसे ये एक प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं उन वॉलेट्स जहां जाके आप तमाम जितनी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हैं, उनमें से आप उन पैसों से आप खरीद सकते हैं वेट कर सकते हैं जब उनका प्राइस बढ़े

वो रिसोर्स को हम निकालते हैं उसको माइनिंग सर मैंने हैं। तो कोल कोल माइनिंग माइनिंग ही सुना होता क्या है, है, है।, है।, तो है, है। धरती से निकाल के आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर ला सके तो वो माइनिंग वाली प्रोसेस है ऐसे ही जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का बताया था बिटकॉइन सबसे फेमस है तो उसका एग्जाम्पल लेता हूँ

उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है वो चाहे आप अपने आपके सेलफोन जो आपके हाथ में उसमें भी कुछ कंप्यूटिंग पावर है तो आप चाहे उससे सॉल्व कर लें या बड़े बड़े आप कंप्यूटर से एक साथ जोड़ के भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क चाहे आपका हो या किसी और का हो सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा उसके नाम पर उसको राइट मिल जाएगा कि उस लेजर में वो रिकॉर्ड लिख सके और उस क्योंकि उसने सॉल्व किया है कंप्यूटेशनल पावर यूज़ की है तो उसको एज ए रिवॉर्ड कुछ बिटकॉइन दिए जाते हैं तो जो उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं हम क्योंकि आपने वो कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करके वही खाते में लेजर में कुछ रिकॉर्ड ट्रांजेक्ट किया रिकॉर्ड किया और उसके फलस्वरूप आपको वो इनाम मिला जो बिटकॉइन थे अच्छा। तो क्योंकि आपके पास और बिटकॉइन आ गए उस प्रोसेस में okay. तो कहीं ना कहीं 21 मिलियन बिटकॉइन्स में से आपने और माइन किया एक तरीके से जो आपके खाते में है इसलिए इस प्रोसेस को माइनिंग बिल्कुल सर ने हमें बताया कि माइनिंग किस तरह से होती है आ, क्रिप्टो करेंसी में कि एक लिमिटेड नंबर में हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है जैसे सर ने उदाहरण दिया बिटकॉइन का कि लिमिटेड संख्या से अधिक के अंदर अंदर यदि हम उनको प्राप्त तो करना में चाहते हाँ, हैं तीस मिलियन करीब अठारह तो माइन हो, हो चुके हैं और, और इसीलिए स्कैसिटी बढ़ी है स्कैसिटी बिटकॉइन की जी, सर का क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि जिस जो चीज कम उपलब्धता होती है प्रोसेस उतनी टफ होती जाएगी अब क्योंकि अठारह मिलियन तो माइन हो चुके हैं सिर्फ तीन मिलियन ही बच्चे तो और ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ेगी आपको जी जितना रिसोर्स केयर होता जाएगा तो और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी तो क्या बिटकॉइन का महंगा होने का कारण यही है कि वो कम उपलब्ध है अब? आ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिटकॉइन के महंगे और सस्ते होने के तो बहुत सारे कारण हैं उनमें से एक कारण ये हो सकता है अब जैसे आप ये देखिए कि महंगाई अगर बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू घट जाती है ठीक है करंट कंट्रीज अगर चाहें देश अगर चाहें तो और करेंसी छाप सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट होती जाएगी वैल्यू पैसे की उतनी कम होती जाएगी तो जैसे जो फाउंडर थे बिटकॉइन uh, के उन्होंने पहले ही अपने प्रोग्राम में अलगोरिदम में ये चीज कर दी कि ट्वेंटी वन मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे ठीक है अच्छा तो जितना कम अब बिटकॉइंस बचते जाएंगे उनकी प्रोसेस माइनिंग की, की उतनी टफ होती जाएगी और ज्यादा उसमें पावर रिसोर्सेज ये सब कंज्यूम होंगे उसको माइन करने के लिए राइट तो अब आपको बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स रखने पड़ेंगे बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्ट करने पड़ेंगे जो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो क्योंकि जो पुराने माइन हो चुके हैं और नया कॉइन जो माइन हो रहा है उनकी वैल्यू तो बराबर रहेगी बिल्कुल चाहे वो जैसे एग्जाम्पल दू तो अगर दस साल पहले कोई नोट छपा है दस रुपए का और आज अगर कोई नोट छप रहा है दस रुपए का तो देखा जाए तो एट पार है विद ईच अदर दोनों तो बराबर ही हैं है ना लेकिन अब नए और नहीं छापे जा सकते हैं नोट ये एक सिस्टम लिमिटेड इक्कीस मिलियन का और इन्हीं से आपको गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू इतनी कम नहीं होगी ओवर द टाइम बढ़ती जाएगी बिल्कुल सर और भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो प्रचलन में आ रही है तो मैं जानना चाहूँगी किस तरह से कौन लोग हैं जो ये बना रहे हैं ये टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहे हैं और भारत यहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है जी अब तो जैसे मैंने कहा था कि अठारह हजार क्रिप्टो करेंसीज हैं तो ये एक कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी ऐसे नहीं बना रही है ये इंडिविजुअल uh, अथॉरिटीज में कुछ कंट्रीज हैं जो पायनियर रहे हैं है ना जी। जो इस बात से चिंतित थे कि मनी सर्कुलेशन पे कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट ना पड़ जाए कि एक सेंट्रल बैंक जो होता है उसका काम होता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना ऐसे में अगर कुछ प्राइवेट करेंसीज आ रही हैं जैसे फेसबुक ने निकाली थी लीरा करके एक क्रिप्टो करेंसी uh, तो लोगों को लोग क्यों ट्रांजेक्ट करते हैं लोगों को जब तक ट्रस्ट नहीं होगा उस करेंसी पे तब तक ट्रांजेक्ट नहीं करेंगे आप नोटबंदी की बात देख लीजिए है ना तो जिस दिन सरकार ने कहा कि एक नोट पे लिखा था है कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन अदा करता हूं है ना तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉवरन गारंटी है उसके पीछे वैसे तो एक नोट का टुकड़ा ही है जिस दिन वो सोवरन गारंटी खत्म हो जाएगी वो सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएगा जैसे नोटबंदी के बाद हुआ हुँ, उस, हुँ। उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी पांच सौ हजार सिर्फ कागज का टुकड़ा हो गया है जब जब तक 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 गारंटी गारंटी थी 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 तब तब वैल्यू बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को ट्रस्ट था जब तक वो बिल्कुल, सर बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है सर हम ये जानना चाहेंगे कि यह जो टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टो करेंसी बहुत हैवी कार्बन फुटप्रिंट वाली मानी जाती है ऐसा क्या है कारण इसका कारण इसका पीछे जो हम माइनिंग वाली बात कर रहे थे हम लोग कि उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उस ब्लॉक को बनाने के लिए और जो सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा उस ट्रांजेक्शन को उसको एज ए रिवॉर्ड उतने बिटकॉइन से उतने क्रिप्टो करेंसी मिलेंगी राइट तो लोगों ने क्या किया उस माइनिंग के प्रोसेस के लिए अब क्योंकि बताया था कि जैसे जैसे बिटकॉइन कम होते जा रहे हैं उसके माइनिंग की प्रोसेस और टफ होती जा रही है, जा है। तो स्टार्टिंग में एक सिंपल कंप्यूटर भी माइन कर सकता था जो हमारे घर में आम कंप्यूटर होते हैं वो भी माइन कर सकता था अच्छा। आज उससे टेन टू द पावर फाइव से भी ज्यादा मतलब लाख गुना से भी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए सेम बिटकॉइन को माइन करने के लिए तो जितने ज्यादा ऐसे कंप्यूटर पैरल प्रोसेसिंग सिस्टम्स लगेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे एनर्जी आखिरकार आ कहाँ से रही है हमारे फॉसिल फ्यूल से ऑयल से या फिर आपके थर्मल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से तो आ, ये इन सबका एमिशन ही कार्बन फुटप्रिंट और इससे एनवायरनमेंट पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी effect आ रहा है सर इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आप परचेज कर सकते हैं अपना पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हम खरीद सकते हैं लेकिन बेचा कैसे जा सकता है सर अगर अगर बेचना है तो आपको अगर आप उस एक्सचेंज पे आ रहे हैं जहां पे स्टॉक मार्केट्स की तरह स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं जैसे एन और बी एस स्टॉक एक्सचेंजेस है तो खरीदार भी वहां आते हैं और बेचने वाले भी वहां पे आते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे खरीदते बेचते हैं okay. वैसे ही अगर इसमें देखा जाए तो आप अगर ट्रांजेक्शन की बात कर रही हैं ए टू बी ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें एक पब्लिक की प्राइवेट की जो शुरुआत में बता रहा जी था जी. कि पब्लिक की वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताएगा कि आपका एड्रेस क्या है एक तरीके से उससे आपका एड्रेस जनरेट होता है जैसे आपका बैंक खाता है जी। तो अगर मुझे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप अपना बैंक खाता मुझे बता देंगे ठीक है लेकिन उस बैंक खाते में अगर आपको लॉग इन करना है नेट बैंकिंग से जी। तो आपका पर्सनल एक पासवर्ड होगा उसमें तो वैसे ही पासवर्ड एक प्राइवेट की होती है तो मुझे अगर किसी को अपना एड्रेस बताना होगा तो मैं पब्लिक की उसके साथ शेयर कर सकता हूँ

ट्रांजेक्शन के लिए काम ले रहे हैं करेंसी को क्रिप्टो करेंसी को ज्यादातर प्रपोर्शन जो है लोगों का वो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम सस्ते में खरीदें महंगे में बेच दें उस तरीके के काम में ले रहे तो एक बड़ा मेजर करेंसी का फंक्शन फुलफिल नहीं हो पा रहा है दूसरा ये है कि स्केलेबल ये टफ होता जाएगा कि जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे हर नोड पे उसको वेरीफाई करना होगा तो जो कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रही थी ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है जो कि अगर हम अगर एक नोट को देखें या करेंसी को देखें तो एक अगर सिक्का बन गया है तो पंद्रह बीस साल तक तो सिक्का कम से कम चलता ही है लेकिन, लेकिन क्रिप्टो ये क्रिप्टो करेंसी में बन रहा रहा है हर किया exactly, है माइन किया जा एग्जैक्टली तो वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूमिंग है बिल्कुल, बिल्कुल। और तीसरा जो मुझे लगता है कि कोई क्योंकि एक सेंट्रल रेगुलेटरिंग अथॉरिटी नहीं है तो चांसेस हैं कि क्रिप्टो करेंसी का यूसेज इलिसिट या अवैध कामों में हो सकता है जैसे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त या फिर आप माने कि ड्रग्स का लेन देन जो इलीगल काम है है ना तो मनी लॉन्ड्रिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन सब के लिए इसका यूजेज होने चांसेस ज्यादा है तो ये दिक्कतें हैं जो अगर हम अगर हम उनको बेहतर बनाया जा सकता है आने वाले समय में सर आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और मुझे आशा है कि आम जन को और हमारे दर्शकों को जितनी भी जिज्ञासाएं थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो आज शांत हुई होंगी सर ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है और इसमें आपका पैसा सिक्योर है क्रिप्टोकरेंसी uh, के लेकर यदि आपके कुछ और सवाल हैं तो आप हमें यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हम यथास्भव प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का उन का जवाब दिया जाए uh, आज के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे अप हम एक नए टॉपिक के साथ और एक खास मेहमान के साथ तब तक बने रहें दूरदर्शन के साथ धन्यवाद